सबके पसीने आ गए। मेरी मम्मी ने मना कर दिया था, कहा बहुत बुरा भी लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और मैं आपको बता दूं, आज मैंने जो कल वाली हेयर स्टाइल की थी ना, उस हेयर स्टाइल को ये दो साइड से यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पर। तो इसमें सिंदूर लगाओ तो अच्छा लगता है, ये मैंने स्टाइल कर लिया। और इस साड़ी को सब लोग ने अप्रिशिएट किया है, तो थैंक यू सो मच। और मैं आपको बता दूँ साड़ी की सच्चाई, कुछ व्लॉग में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको आज नहीं पता चलेंगी। पहले तो ये बता दूँ कि ये जो साड़ी है ना, जब मैंने ये साड़ी खरीदी थी तो मेरी शादी के टाइम में मम्मी ने मेरे बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ दी थी। पर ये साड़ी जब मैंने पसंद की थी तो मम्मी ने मना कर दिया था, कहा था ये सस्ती साड़ी मत ले जाओ, ससुराल में कोई मतलब नहीं बनता। पर क्योंकि ये साड़ी बहुत हल्की थी तो मुझे लगा कि शायद ससुराल में साड़ी पहननी होगी तो मैं कैसे इतने टाइम साड़ी पहन के रहूँगी, तो मुझे हल्की साड़ी मम्मा दे दो। पर मम्मी ने बिल्कुल ही डिनाई कर दिया। उसके बाद जब मुझे मैं बहुत नाराज़ होने लगी तो मम्मी ने ये साड़ी खरीदी थी। ये साड़ी मात्र 200 रुपए की है, जिसको लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया साड़ी चैलेंज में। और ये साड़ी मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक तो ये कलर मुझ पर अच्छा लगता है, दूसरा इसका टेक्सचर इतना हल्का है ना कि गर्मी में चाहे कितनी देर तक पहन लो उसको ऊब नहीं लगती है। दूसरी चीज़ कि आप लोगों को बहुत सारे सवाल है, वो जो है उसके जवाब मैं आपको व्लॉग में देती रहूँगी, क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। और एक बात और, देखिए मेरा कारपेंटर आज भी नहीं आया है। जब सुबह फ़ोन किया था तो बोला था आधे घंटे में आ रहा हूँ, पर अब जो है डेढ़ घंटे हो गए, पर डेढ़ घंटे से कहीं अता पता नहीं है। आजकल लोगों की नियत का कोई भरोसा नहीं है। तो दो चीज़ें होती हैं, आजकल लोग महंगी चीज़ों को अच्छा मानते हैं, दूसरा लोग सीधे लोग को बहुत ठगने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें दुनिया में हो रही हैं। फिलहाल सब कुछ भगवान पे छोड़ती हूँ और जा रही हूँ भगवान की पूजा करने। भगवान से ही प्रार्थना करूँगी कि सब लोगों को सद्बुद्धि दें, ताकि लोग एक दूसरे को चीट ना करें। तो फ्रेंड्स, मैंने तो पूजा कर ली है, और पूजा करने के लिए मैंने सोचा था आज आपको पूजा का सूट करके दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से हो गए थे मंदिर ने दिखाया था, पर मैं नहीं कर पाई, सॉरी। उसका रीज़न क्या था मैं आपको बता दूँ, स्टैंड लेके आई थी। देखिए मेरा स्टैंड ये टूट गया था तो मेरे से जुगाड़ करना पड़ा, क्योंकि हस्बैंड के पास टाइम नहीं था। और सूट मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, और इन्वर्टर पर सिर्फ एक लाइट जलती है। और हाँ, पहला सवाल उन्होंने पूछा था कि आपके कैमरे में मतलब कि इतनी रोशनी कहाँ से आती है। तो देखिए मेरे पास कोई आईफोन नहीं है, नॉर्मल फ़ोन है, और रोशनी इसलिए आती है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने हर जगह फॉल सीलिंग करवा रखी है। और यहाँ की जो फॉल सीलिंग देख रहे हैं ना, ये इन्होंने, मैंने मना किया था तब भी कह लगे कि तुम जो व्लॉगिंग करती हो उसमें रोशनी नहीं होती है, तो इसलिए उन्होंने जो है जल्दी जल्दी इसने कहा कि यहाँ पर भी करवा देता हूँ। तो मेरे हर रूम में, छोटे से छोटे रूम में, कम से कम मान के चलिए कि 4 फॉल सीलिंग पे लाइट है, छोटा रूम बता रही हूँ, 4 फॉल सीलिंग की लाइट है, और साइड में कम से कम 4 बल्ब होंगे। ऊपर वाला रूम है उसमें 18 फॉल सीलिंग की लाइट है और साइड लाइट्स है, तो और हर लाइट जो है वो 7 वॉट की है। तो सोच लीजिए कितनी रोशनी में मैं व्लॉग को शूट करती हूँ, तब जाके इतनी रोशनी आती है। और यहाँ लाइट नहीं है तो, क्योंकि कैमरे के पीछे जो है वो रोशनी आ रही है ना, इस वजह से इतनी रोशनी इसमें दिख रही है, वरना इन्वर्टर पे कितनी लाइट जल जाएगी। ज़्यादा एक कमरे में एक बल्ब और एक पंखा ही तो होता है। जा रही हूँ, देखिए कितना जुगाड़ करना पड़ता है ना, क्या करूँ, पर इससे काम चल रहा है मेरा आजकल। कल हुई थी बारिश, इतनी भयंकर बारिश हुई थी कि वहाँ का जो तार है ना वो टूट गया था। उस टूटने के लिए फिर वो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जो है वो कहिए किसी के ऊपर नहीं गिरा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि इतना मोटा तार और उसमें इतनी हाई वोल्टेज, तौबा तौबा। आए और अभी के पापा भी आए। 2 मिनट भी लगता है उसको भागने में। मिला? हाँ मिला। और चला गया था वहाँ पर। हाँ मैंने देखा था ऊपर से। घंटी ऐसे हो जाता है जैसे लगता है कि अभी पहुँच जाओ। हाँ। जब पहुँचता हूँ तो गायब हो जाता है। गायब। मिनिस्टर है ये लोग, मतलब कि ये लोग, इन लोग के लिए हम लोग वेट करें और जब हमारा काम होता है ना तो फिर ये वेट नहीं करते। बहुत दिक्कत है। आजकल बता तो रही हूँ कि छोटे छोटे लोग जो है ना, इतना भाव खाने लगे, इतने बिजी हो गए हैं। हाँ। लगता है कि मोदी जी वही हो गए हैं। हाँ। देश वही चला रहे हैं। जैसे अपना कारपेंटर। हाँ, कारपेंटर भी वही है भैया। पूछिए, हो गया है नाश्ता तैयार पति देव का, लीजिए ये देखिए। तो ये है नाश्ता, और आज जो खाने में बनेगा सोया चाप, क्योंकि इनका मन है सोया चाप खाने का। तो मैंने सुबह बनाया था अविष्कार के लिए भिंडी और पराठे, तो वही जो है सब्जी बनी हुई थी, तो मैंने
चाय की तलब बन रही है, बन रही है। चाय की इतने बड़े दीवाने की पूछिए मत। हम लोग दीवाने भाई इस स्वैटर के भी। और आपको बता दूं, खाना खाने के बाद चाय पीने से या खाना खाते समय चाय पीने से बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। ये खुद साइंस साइड से हैं, इनको खुद पता है, पर कभी कभी इंसान जानबूझ करके भी गलती करता ही है। पता नहीं आपको कितना नियम पाल करेंगे कितना नियम पाल करेंगे, चाय अच्छा बनाओगी तो फिर नियम तो कभी पालन होंगे नहीं, चाय पियेंगी भाई। और फ्रेंड्स फाइनली वो दिन आ गया है, पता है कौन सा दिन? आप सोच रहे होंगे, आपको लगेगा ये छोटी सी बात बता रही हैं, पर ये वो बात है कि जिसमें मुझे अलमारी खाली करनी है, मतलब मेरी वॉर्डोर, कारपेंटर की आवाज़ आ रही है ना आपको, कारपेंटर आ चुके हैं और मुझे अपनी जो अलमीरा है उसको खाली करना है, वहाँ पर नई अलमीरा सेट होगी आज, मतलब कि वहाँ पर वो जोड़ना शुरू करेंगे। तो चलिए, आप जानते नहीं हैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्यों? क्योंकि फाइनली इतने दिनों बाद वो भगवान जी हमारे घर पधारे, तो भगवान जी ने काम करना शुरू तो किया, वरना तो मुझे लग रहा था ये प्रभु हमारे दर्शन ही नहीं देंगे। और आज दर्शन पा करके मैं शिव भगवान से इतना खुश नहीं हुई जितना इनके दर्शन पा करके खुश हो गई हूँ। से मैं जुट गई हूँ अलमारी को खाली करने के लिए, क्योंकि आधे घंटे का समय दिया है और कारपेंटर ने बोला है कि जल्दी जल्दी अलमारी खाली कर दीजिए, क्योंकि यहीं पर मुझे सेट करनी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी अलमारी जो नीचे से नहीं आ सकती, तो सारा जो जोड़ना यहीं था। तो मैंने सारे कपड़ों को एक जो है चद्दर में बांध दिया है, क्योंकि बाद में जब बन जाएगी तो मैं इसको सेट कर दूँगी, इधर उधर वरना हो जाएंगे। और ये देखिए पूरी अलमारी जो है वो पूरी खाली हो चुकी है, तो फिलहाल ये तो जाएगी नीचे ये, और इसको मैं भेज दूँगी। और यहाँ पर ये सारे पार्टीशंस आ गए हैं, लग गए हैं अपने काम में जल्दी जल्दी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद इन्होंने जो अपना काम में फुर्ती दिखाई है। और मैं बना रही हूँ सोया चाप, सोया चाप को मैं ना उबाल उबाल लेती हूँ, इस तरह से उबल जाते हैं, तो उबालने के बाद इस तरह से आप छान लीजिए, उसके बाद सब्जी की तरह जैसे सब्जी बनाते हैं आप वैसे इसको बना सकते हैं। तो सोया चाप जो है आज अच्छे सा नहीं बन पाया, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, तो मैं कुछ भी मिक्सी में पीस नहीं पाई, तो आज से जितना ख़राब से ख़राब बन सकता था सोया चाप वो बना था। और यहाँ पर अलमारी को नीचे भेजा जा रहा है, पर बड़ी मुश्किल हो रही है इसको नीचे उतारने में, इतनी मुश्किल से अलमारी निकली है कि सबके पसीने आ गए, मेरे खुद पसीने आ गए, तीन तीन लोग जुटे हुए थे अलमारी को जो है नीचे उतारने के लिए, क्योंकि जीना बहुत छोटा तो नहीं है, पर फिर भी 3 फीट अलमारी के निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है, मतलब बहुत मुश्किल होती है। ये वाले फूल कितने ज़्यादा खिले हैं ना, कितने सारे फूल खिले हुए हैं। बारिश होती है ना तो इन लोग की तो मौज हो जाती है, क्योंकि देखिए गुलाब का फूल या सदाबहार हो या फिर गुड़हल का फूल हो, कोई भी फूल हो ना, बड़े आराम से मस्त होके खिलते हैं और काफ़ी हरा भरा हो जाता है, पत्तियाँ धुल जाती है, मेरा काम जो है वो घट जाता है, मुझे इनकी साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ती है तो बस। और आपको तो सुबह से लाइट नहीं आ रही है, इसलिए मेरा फर्नीचर वाला काम भी बहुत रुक रहा है, क्योंकि इसमें मशीन का काम होता है। और आपको पता मुझे सोया चाप बनाना, जिसके लिए मिक्सी में प्याज लहसुन सारी चीज़ें पीसनी है, और मैं सोच रही हूँ तौबा कब ये लाइट आएगी भगवान, क्योंकि लाइट नहीं आएगी ना तो मेरा चॉपर भी ख़राब रखा है, मैं किससे पीसूँगी, सील से चिक चिक चिक। सील भी रखी है मेरे पास, पता है आपको, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मेरे पास ये सील रखी हुई है, कभी ऐसा ज़रूरत पड़ती है तो मुझे यूज़ करना होता है, और कभी पूजा पाठ में भी यूज़ होती है सील। सुबह से रिकॉर्डिंग बिना लाइट की है, तो लाइट और बिना लाइट का कंपेयर आराम से आज की वीडियो में कर सकते हैं, क्योंकि सुबह की जितनी ही सारी रिकॉर्डिंग हुई है सब, क्योंकि लाइट थी ही नहीं, लाइट यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, तो लाइट जो है इसको बनाया जा रहा था, तो आप देख सकते हैं कि बिना लाइट के और लाइट में, अब इस समय लाइट आ गई तो देखिए इसकी रोशनी कितनी अच्छी, तो लाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है वीलॉगिंग के लिए। ये माइका जो थोड़ी थोड़ी बबल खा गई थी, तो भैया इसको प्रेस करके इसको ठीक कर रहे हैं, मतलब ये भी तरीका होता है, अगर गलती ये माइका फूल के हो जाए तो ये सही किया जा सकता है। हो गए ग्रेट। और फाइनली फ्रेंड जो है ये मेरी देखिए अलमीरा यहाँ पर पूरी, ये 4x पूरी छत तक है, 4 फीट की है, पूरी छत तक है अलमीरा यहाँ पर मतलब सेट कर दी है, अभी इसमें बहुत सारा काम है,
चलिए कहते हैं ना कुछ, मतलब इतना डर लग रहा था मुझे कि पता नहीं कब काम शुरू होगा, ये काम खत्म हो गया क्योंकि इस चीज़ का इंतजार मुझे बहुत था। और मैंने इनको बोला भी किया ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, तो बोले मैडम नहीं अब मैं नहीं परेशान करूँगा, तो मुझे बेड भी बनवाना है तो बेड का भी काम शुरू करेंगे, पर ये थोड़ा सा काम जो है कल बचा हुआ है तो कह रहे कल ये काम हो जाएगा। तो चलिए आई होप सो आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो रहा है और मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि ये प्लेस खाली हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अलमीरा यूज़ हो रही थी। तो बस अगर व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और बस हंसते मुस्कराते हुए हमेशा नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। ये भी आ गए, कर दो बाय बाय। चलिए बाय बाय।